नमस्कार दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को बड़ा बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वेलिंगटन में खेले गए पहले T20 में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मेजबान न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 80 रन से जीत लिया है। रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी है, लेकिन तीसरे ओवर की दूसरे गेंद पर टीम सौदे ने कप्तान रोहित शर्मा को लॉक ऑफ फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद 5.3 ओवर में फर्ग्यूसन ने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। उन्होंने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को बोल्ड किया। धवन 18 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के की मदद से 29 रन बनाए। दूसरे विकेट के लिए धवन और शंकर के बीच 33 रनों की साझेदारी हुई। टीम इंडिया का 9वां ओवर घातक साबित हुआ। इस ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर ऋषभ पंत और विजय शंकर आउट हो गए। सैटलर ने पंत को बोल्ड किया, जबकि विजय शंकर कॉलर निगम मोहन के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद देर के बाद 11वीं ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या आउट हुए। इस ओवर में दोनों को आउट किया। इससे पहले टीम सेंटरफील्ड और कप्तान विलियम सेन के तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले मुकाबले में भारत को 220 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर के मुकाबले 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। टीम के ओपनर बल्लेबाज लेकर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया के लगभग सभी गेंदबाज महंगे जरूर साबित हुए, क्योंकि सभी खाते विकेट जरूर आए। हार्दिक पांड्या ने जहां 2 विकेट चटकाए, वहीं भुवी खुन्ने हरीश कृष्णा और युजवेंद्र चहल ने एक ही विकेट लिया। जेड न्यूज की रिपोर्ट।